दर्शकों, ये देखिए अपने गांव का व्यू। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज फ्राइडे है 4 मार्च 2022 और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। एक बेहतरीन दिन की शुरुआत हो चुकी है दर्शकों। आज मेरी नींद जो है 5:30 बजे के आसपास खुल चुकी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए इधर का माहौल, शांत भरा माहौल है ना, उगता हुआ सूरज आज हम देख पा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है सूर्य भगवान। दिखाता हूँ मैं आप लोग को बैक कैमरे से। चलो ये देखिए दर्शकों, इधर से दिखाई पड़ रहा है ये। कैमरे से अच्छा नहीं आ रहा, बाकी यहाँ से जो दिखाई पड़ रहा है ना, कतई जहर है। इधर का ये सीन देखिए, शांत भरा माहौल, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें। और ऊपर बादलों का सीन, बादल थोड़े हल्के हल्के लाल दिखाई पड़ रहे हैं सूरज की रोशनी की वजह से। अभी क्या करना है, अपने को नहाना है, नहा के अपने को घर जाना है, ठीक है। तो अभी हम बगीचे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बोर स्टार्ट करते हैं बगीचे का, फिर नहाते हैं आराम से, है ना। अच्छा, पहले से ही ऑन है बोर, कोई दिक्कत नहीं है। और दर्शकों, परसों मैं ब्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ पे देखिए हम लोग दो पटिया बैंगन का पौधा लगाए हैं, ये देखिए। अब देखते ही देखते ये कितने बड़े हो जाएंगे और फलने लग जाएंगे। तो ये दो पटिया वाला बेहतरीन काम किए हैं हम। और इसमें किनारे किनारे हम गोभी लगाएंगे सोच रहे थे, लेकिन कल शाम को मैं तेंदू फल खाने चले गया तो ये चीज़ कैंसिल हो गया। और एक क्या काम किया दिखाता हूँ मैं आप लोग को। चलो, इधर पानी जा रहा है खेतों में, इनमें लगा है धान। डेली पानी देंगे तभी धान के पौधे बड़े हो पाएंगे। इसमें धान की बुनाई हुई है, 3 खेत हैं। थोड़ा बहुत हरा हरा सीन दिख रहा है, देखिए, है ना। मतलब धान के जो बीज बुनाई किए थे वो बड़े हो रहे हैं, सही है। इधर ये देखिए दर्शक, ये वाला पटिया तो हम पहले ही लगाए थे प्याज इनमें, है ना। ये दो पटिया और हम प्याज लगाए हैं, यहाँ से पूरा वहाँ तक, फिर वहाँ से पूरा यहाँ तक। और ये बना है इनमें नाली, मांदा चिपाई वाला काम। तो इनमें भी मटर काफ़ी अच्छे से फलने वाले हैं। इतना छोटा था ये देखिए मटर का पौधा, आज देखते ही देखते कितने बड़े हो गए, फलने लग जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। इधर देखिए आम के पेड़ों को, कितने अच्छे से फूल आए हैं इनमें। और यहाँ का सीन देखने लायक होते जा रहा है दिन ब दिन। अगर इधर पूरा फूल आ जाए ना इन आम के पेड़ों में, तो कतई जहर सीन हो जाए, सच में कतई जहर सीन हो जाएगा। और ये धान के पौधे और बड़े हो जाएंगे, हरा भरा सीन दिखेगा ये तीनों खेत, तो फिर और बगीचा देखने लायक हो जाएगा। दर्शकों, सुबह के 7:30 बज चुके हैं, सूरज भगवान काफ़ी ऊपर चले जा चुके हैं। मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ अपने बगीचे में, अब जा रहा हूँ घर। घर से नाश्ता पानी करके आएंगे वापस, देखते हैं यहाँ काम करना है या घर में साफ़ सफाई वाला काम करना है, है ना। पूरा सीन दिखाएंगे जो होता है, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। देखते हैं आज दिन भर में क्या क्या चीज़ें कर पाते हैं हम और क्या क्या अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं। चलो,
हटाओ तो फिर आज कहीं चलते हैं, चलो कहीं घूम घाम के आते हैं आज और कल परसों तीन दिन। हाँ अभी करवा दे हैं। हाँ संडे के दर्शकों अभी 9:18 हो रहे हैं और मैं वापस अपने बगीचे आया हुआ हूँ। अपने पड़ोसी सब्जी लेने के लिए आए हुए हैं तो उन्हीं के लिए सब्जी तोड़ रहे हैं। मटर तोड़ लिए, लौकी तोड़ लिए, अभी एक कद्दू देख रहा हूँ मैं, है ना। कद्दू देखते हैं और कद्दू तोड़ेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। और दर्शकों यहाँ पे ढेर सारे कद्दू फले हुए हैं और अपने को ये देखिए कद्दू मिला है, लगभग 3 किलो का होगा। तो इसे ही तोड़ लेते हैं, 1.5 किलो और बढ़ेगा लेकिन तोड़ना तो पड़ेगा ना भाई। चलो दर्शकों ये देखिए ताज़े ताज़े हरे कद्दू है ना। तो ये अपन बेच देंगे 30-40 रुपये में, तो 20 रुपये किलो है, 3 किलो होगा, 40-50 रुपये बनेंगे इसके। दर्शकों अभी सीन क्या है, ये अपने को अपना घर झाड़ू मारना पड़ेगा है ना। ऊपर जितनी भी लकड़ी वगैरह है, ये देखिए ऊपर साइड जितने भी मकड़ी द्वारा बनाया गया घर है ना, जाली वगैरह उसे झाड़ू मार कर साफ करेंगे। और कितना टाइम हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं, देखते हैं 2-3 घंटे में क्या कुछ कर पाते हैं, है ना। चलिए यहाँ से ये देख रहे हैं, ये मकड़ी द्वारा बनाया गया घर, ये यहाँ पे। तो इस तरीके से जितने भी ऐसे घर हैं उन्हें अपने को झाड़ू से साफ करना पड़ेगा, है ना। पूरा वहाँ से यहाँ से पूरा इधर अंदर साइड तक, ठीक है। तभी तुरंत एक झाड़ू पकड़ते हैं अपन और झाड़ू मारना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फिर इनमें पोताई होगी दीवार में, है ना। और अपना तैयारी देखिए धूल से बचने के लिए, ये अपना मास्क और बाल को धूल से बचाने के लिए टोपी और गाने सुनने के लिए ये हेडफोन, ठीक है। और ये फुल शर्ट पहन लिया हूँ मैं, तो अभी सीधा काम करना स्टार्ट करते हैं अपन। और दर्शकों इसके अलावा इधर आप नीचे साइड देख सकते हैं, ये जो अपना नीचे का फर्श है ये मिट्टी और गोबर से लिपाई हुआ है ना। ये देखिए पूरा, तो जब शादी वगैरह होना होता है तो कुछ ऐसे ही तैयारियां चलती हैं। दीवार को रंग से पोताई करते हैं, ऊपर जालियों को साफ करते हैं और नीचे मिट्टी गोबर से लिपाई करते हैं, है ना। सही है। गीली मिट्टी झाड़ू पकड़ो साइड दे दे साइड ना।
12:06 और ये देखिए किस तरीके से हमने झाड़ू मारा है और कचरा नीचे गिरा दिया है। सब साफ करना पड़ेगा। हालत देखो अपना, ये कचरा कूटा, ये आंगन का व्यू, ये देखो मेहनत, भाई का मेहनत, ये दर्शकों ये पुराना डिस्क है। इसमें पहले नेशनल चैनल चलता था, सिर्फ एक ही चैनल है ना, और ये काफ़ी सालों से बंद है। इधर खप्पर का ही पूरा छत है अपना। दर्शकों ये देखिए अपने गांव का व्यू है ना, इधर से पूरा, ये ज़्यादातर खपरेल का ही घर है। इधर पहाड़, इधर पूरा खपरेल का घर, इधर बाड़ी वगैरह में सब्जी वगैरह लगाए हैं, पड़ोसी लोग का है ये वाला है ना। अपना आंगन ये है, झंडा लगा है पीले कलर का, लाल कलर का, सफ़ेद कलर का झंडा, फूल है आंगन में रात रानी फूल, और इधर डिश वगैरह है। यहाँ पर जियो फाई लगता है नेटवर्क की कमी की वजह से। वहाँ आंगन में नल लगा हुआ है और अल्बेस्टर भी लगा हुआ है आगे साइड, इधर भी अल्बेस्टर लगा हुआ है, वो डिश टीवी का है, और वो एक क्या बोलते हैं उसे साउंड सिस्टम लगा हुआ है, पोंगो चोंगा जो भी बोलते हैं, और ये टेलीफोन का, और इधर का छोटा आंगन है, इधर का काफ़ी बड़ा आंगन है ना। मेरा स्कूटी देखिए आंगन में पड़ा हुआ है, और उधर 2-3 के मकान है ना। इधर उधर वो इमली का पेड़, इधर नारियल का पेड़ और आम पेड़ भी दिखाई दे रहा है, ये कटहल का पेड़ है, इधर बांस की झाड़ियाँ वगैरह भी हैं है ना। तो कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई पड़ता है अपने गांव का। किनारे किनारे पानी उतरने के लिए टीन लगा दिए हैं है ना, किनारे पानी ऐसे नीचे उतरता है, ऊपर किनारे किनारे का मैं झाड़ू मार रहा हूँ है ना, कोने कोने का। ये पूरा मकड़ी जाला साफ़ हो रहा है। इधर से नहीं जाऊँगा, इधर से जाऊँगा अल्वेस्टर में ऐसे चलते हुए। इधर जाऊँगा तो एक खप्पर वगैरह फूट जाएंगे, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊँगा, इसमें ही चलते हुए ऐसे झाड़ू मारूँगा। दर्शकों अभी ये किनारे किनारे का ना झाड़ू मार के सफाई कर दिए हैं, इधर का, इधर पूरा ऊपर ऊपर का है ना, सही है।
कर सकूं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैं खाना वाना खा के मस्त बाड़ी में बैठा हुआ हूं ये लकड़ी के ऊपर और हवाओं का आनंद उठा रहा हूं। मेरा हालत देख सकते हैं, किस लेवल का काम हुआ है ना, कचरा कूटा पूरा भरा पड़ा है। और दर्शकों, जो छोटा आंगन वाला घर है ना, उधर पूरा झाड़ू मार के सफाई हो चुका है और नीचे में जितना कचरा था उसको भी झाड़ू मार के बाड़ी में फेंक दिया ना। अब बड़ा आंगन वाला जो घर है पीछे साइड का, उधर का झाड़ू मारना बाकी है। ऊपर साइड का तो झाड़ू मार चुका हूँ, अभी देखिए आप वीडियो में। और अभी नीचे साइड का पूरा झाड़ू मारना है, एक साइड ऊपर का हुआ है, एक साइड का जो खप्पर वाला छत है उधर का बचा हुआ है ऊपर साइड भी। तो अभी ऊपर चढ़ेंगे, उधर का भी झाड़ू मारेंगे और नीचे का भी झाड़ू मार देंगे, ठीक है। फिर आज झाड़ू मारने वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक दो दिन में पोताई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सही है दर्शकों, मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है काम करने में, घर का काम करने में काफ़ी मज़ा आता है मुझे। और अभी मिट्टी से छपाई वगैरह भी कर रहे हैं, बीच का जो गली है ना, तो उनमें मिट्टी उट्टी डाल दी है, छपाई कर रहे हैं, पत्थर उत्थर लगा हुआ है तो उसे समतल कर रहे हैं। चलिए उसका भी सीन दिखा देता हूँ आप लोग को, है ना। चलो ककर बे भूसा माटी में डाल के का इसे मिट्टी में डाला जाएगा और छपाई किया जाएगा, है ना, आंगन साइड को। ये देखिए दर्शकों, ये बीच का जो गली है ना अपना, तो इनमें मिट्टी डाला गया है और इनमें छपाई होगा, मिट्टी से एकदम समतल कर दिया जाएगा। और इधर देखिए झाड़ू मार दिया गया है, सफाई हो चुका है पूरा क्लीन, इधर भी क्लीन, इधर भी क्लीन। ये साकरा गली के ऊपर का छत भी सफाई हो चुका है। और दर्शकों, ये बड़ा आंगन वाला जो घर है इधर, इनमें अभी ऊपर चढ़ेंगे और इधर साफ करना स्टार्ट करेंगे पूरा। चार बज के 50 मिनट हो रहे हैं, इधर का सफाई हो चुका है वहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी उधर कल करेंगे। यहाँ तक हुआ है, ये देखिए कचरा आज का। चलो दर्शकों, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, हालत देख रहे हैं ये। तभी फटाफट से कपड़ा वगैरह धोते हैं और हम बढ़िया से नहा धो के फ्रेश होते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं नहाने के लिए। दर्शकों, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर में सूरज ढलने वाला है। और देखिए, अभी मैं इंसान जैसे दिख रहा हूँ, नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ इसलिए, और तेल वेल लगा के एकदम, देखिए बाल एकदम अच्छे से बना लिया हूँ और अभी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो दर्शकों, कुछ इस तरीके से रहा आज का हमारा काम, झाड़ू मारने में ही आज पूरा दिन निकल गया, बाकी ठीक था। ये हाथ वगैरह थोड़ा सा छिल जा रहे थे, यहाँ पर थोड़ा छिल गया है क्योंकि दिन भर ऐसे झाड़ू मार रहे थे, है ना। तो इतना झाड़ू लगाते तो फिर फट के 4 हो जाता है, लेकिन अपन किए काम, आप कल के डेट में नहीं करेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ उसे मेरा भाई करेगा, मैं नहीं करूँगा, मैं कहीं और जाऊँगा 2 दिन के लिए, अभी गायब रहेंगे, है ना, अपना कुछ काम है, ठीक है। तो चलिए दर्शकों, अब वक्त हो चला है हमारा घर जाने का और अपन से बिताने का। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएं, सुख बांटें, दुख बटाएं, जीवन की सारी चिंता घटाएं। सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।